हेलो गाइस, राम राम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है सौरभ वर्मा फ्रॉम। चलिए आज दिखाता हूँ कि हनुमानगढ़ी मार्ग पर यानी कि भक्ति पथ पर क्या कुछ अपडेट हो रहा है, क्योंकि 17 तारीख को रामनवमी है तो हनुमानगढ़ी पर भी भक्तों की जो भीड़ है वो कम नहीं रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर भी होने वाली है। तो उसको लेकर यहाँ पर कैसी तैयारियाँ चल रही हैं, क्या कुछ अपडेट यहाँ पर है, चलिए आपको दिखाता हूँ। तो मैं अभी हनुमानगढ़ी के ठीक सामने खड़ा हूँ। हनुमानगढ़ी यहाँ पर है, इस जगह पर ये देखो हनुमान जी का मंदिर ऊपर है और यहाँ से लोग ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ पर जो तैयारियाँ चल रही हैं ये देखो, यहाँ पर कुछ इस तरह से रंगोली बनाई गई है, जो डिजिटल रंगोली है जो इसके थ्रू यहाँ पर आता है। और इसके अलावा कुछ और ख़ास तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पर, जैसे कि पहले जो भी श्रद्धालु थे वो ऐसे ही चले जाते थे, मतलब कि ऐसे नॉर्मली लाइन लगाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर भी स्टील की रेलिंग लगाए गए हैं। ये देखो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से स्टील की रेलिंग लगाए गए हैं और इन स्टील की रेलिंग से जो भी श्रद्धालु रहेंगे वो अब लाइन लगाकर जाएंगे। और कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी थोड़ा सा कम भीड़ है क्योंकि मंदिर बंद होने वाला है, और इस तरह से यहाँ पर रेलिंग लगे हुए हैं। यहाँ पर भी 5 रेलिंग लगे हुए हैं, मतलब 5 लाइन लगेगी, 1, 2, 3, 4, 5, और इन्हीं 5ों में से जो भी श्रद्धालु रहेंगे वो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये देखो कुछ ऐसा यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। और एक चीज़, धूप से बचने के लिए भी यहाँ पर कुछ इंतज़ाम किए गए हैं। चलिए दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा आगे, वहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से पर्दे लगाए गए हैं, जैसे कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा धूप आने लगता है दोपहर के वक्त, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ इस तरह से रंग बिरंगे पर्दे लगाए गए हैं जिसकी वजह से धूप थोड़ा कम पड़ेगा यहाँ पर इस जगह पर, और वैसे देखने में भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर भी तैयारियाँ चल रही हैं हनुमानगढ़ी पर भी। अभी चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं अंदर की तरफ, और यहाँ से देखो जो यहाँ पर पर्दा लगा हुआ है यहाँ से स्टार्ट हुआ है लगना। ये देखो कितना बढ़िया रंग बिरंगे पर्दे यहाँ पर लगाए गए हैं, और इसके अंदर से जो भी श्रद्धालु रहेंगे इसी के अंदर से आएंगे हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए। यहीं से इसका जो स्टार्टिंग है यहीं से हो जाता है इस जगह से, और सामने आप देख सकते हैं राम पथ है, करीब यहाँ से इसका स्टार्टिंग हो जाता है। और ये जो लाइट है रंग बिरंगी लाइट यहाँ पर अब सभी जगहों पर जलाया जा रहा है, पहले कुछ ही जगहों पर जल रहा था थोड़ा आगे की तरफ, लेकिन अब सभी जगहों पर आपको जलता हुआ दिखाई पड़ेगा। काफ़ी बढ़िया से यहाँ पर सजावट वगैरह हो रही है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर रामनवमी को लेकर जो तैयारियाँ हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से, काफ़ी भव्य तरीके से हो रही है। और अभी तो 3 दिन बचे हुए हैं, 3 दिन लगातार ब्लॉग्स अभी आने वाला है, तो जो भी अपडेट रहेंगे आपको 3 दिन लगातार मिलता रहेगा रामनवमी के बाद तक, लगातार क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, कितने श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, सारी चीज़ें अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी इसी चैनल पर। इस तरफ तो पूरा 7 लाइन बनाया गया है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, थोड़ा सा और आगे जाने पर वहाँ पर थोड़ा पतला हो जाता है, तो वहाँ पर केवल 6 ही लाइन बनाए गए हैं, और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो 5 लाइन हो जाता है। तो जहाँ पर जैसा जगह मिला है उस तरह से यहाँ पर सेट किया गया है। बाकी यहाँ पर जो दुकानें हैं पूरी तरह से सजी हुई हैं लड्डुओं से, प्रसाद से, और यहाँ पर गदा तो बहुत ही फेमस है क्योंकि हनुमान जी का है, तो इसलिए गदा यहाँ पर ज़्यादा बिक्री होता है। ये है हनुमानगढ़ी की गलियाँ जिसमें आप देख सकते हैं
इस तरह से पूरी दुकानें अभी सजी हुई हैं। तो है ये बारह और सीधा यहाँ से हम लोग निकलेंगे रामपथ पर। तो चलिए अभी हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और जो कोई भी अपडेट रहेगा रामनवमी को लेकर वो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।